जब से लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से इसका बस बॉयकट ही हो रहा है। सिर्फ बॉयकट के वजह से ये फिल्म ट्रेंडिंग पे है। मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ होगा कि जिसके नाम का बॉयकट ट्विटर पे ट्रेंड नहीं चला हो। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या आपको लाल सिंह चड्ढा देखनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जिससे इसका बॉयकट हो रहा है। ये सिर्फ बॉलीवुड की वजह से बॉयकट हो रहा है या फिर इसका वजह आमिर खान ही है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले फिल्मी बर्स के एक और वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या तुमको लाल सिंह चड्ढा देखनी चाहिए। तो देखो, हम तुमको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं जो तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। तुम 100% श्योर हो जाओगे कि तुमको ये देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले तुम वीडियो क्लिप देखो, उसके बाद सारी बातें करते हैं। लाल सिंह चड्ढा बैन को लेकर मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि कला को सियासत से दूर रखना चाहिए। फिल्में अगर आपको अच्छी लग रही है देखिए, नहीं अच्छी लग रही मत देखिए, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती है। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि कलाकारों को भी सियासत में कम पड़ना चाहिए, खासतौर पर उन मसलों पर जहां पर एक बड़े जनसमूह की भावनाएं जुड़ी। ये विवाद आपने खड़ा किया था पीके फिल्म में, आपको याद होगा पेशाब करने वाला सीन जहां पर बगल में टैची रखी थी, खड़ाऊ पहनकर भाग जाने वाला सीन, या शंकर जी को दौड़ाने वाला। आमिर खान वो कलाकार हैं जो अपने स्क्रिप्ट में कांटछाट करते हैं, उन्हें अधिकार होता है, वो फिल्म का परसेंटेज लेते हैं। ऐसे मौके आए हैं जहां पर उन्होंने कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी की, उनकी पत्नी का बयान भारत में डर लगता है, इतने बड़े सुपरस्टार होकर ये बयान देना, टर्की में फर्स्ट लेडी के साथ मुलाकात ऐसे वक्त पर जब भारत और टर्की में रिश्ते अच्छे नहीं थे, टर्की के प्रेसिडेंट हमेशा विरोध करते हैं, तो बड़े जन समूह की भावनाओं को आहत करने वाले काम उन्होंने किए और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर किए हैं। अब वही लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर उनका विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सफाई ना देनी पड़े कि आप देशभक्त हैं और मेरी फिल्में देखिए मुझे लोग गलत तरीके से दिख रहे हैं, तो आपको भी थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी और उनकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा जिनसे आप ये उम्मीद करें कि आपकी फिल्म का बॉयकॉट ना करें। वरना ये आपकी आजादी है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, और वो उनकी आजादी है कि वो आपकी फिल्म को लेकर कैसी भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और अभी बहुत सारे मेन रीजन है इसके बॉयकॉट का जो अभी हम कवर करेंगे। तो तुम वीडियो क्लिप देख चुके हो और हमको पूरा विश्वास है कि तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया होगा, लेकिन और बहुत सारे मेन रीजन है जो तुमको जरूर जाननी चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है कि ये साला भड़वा हिंदू धर्म का मजाक उड़ाता है। तुम एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे 10 लोग फैन है, तुम कुछ भी करोगे तो उससे वो 10 लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और जिसके वजह से उसके दिमाग में भी इसका वैल्यू नहीं होगा। तुमको इस सब चीजों का ध्यान देना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमारा दूसरा रीजन है पॉलिटिक्स। देखो, फिल्मों को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना चाहिए क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं थिएटर में, ना कि वो तेरा ओपिनियन मांगने जाते हैं। तुम किसी भी पार्टी की तरफदारी करोगे तो वहाँ थिएटर में दूसरे पार्टी के भी लोग होते हैं जो तुम्हारी गान मारने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे। भाई, पॉलिटिक्स के बिना भी काफी फिल्में रिलीज होती है जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी होती है। इनको बस लगता है कि पॉलिटिक्स में ज्यादा मसाला है और वो ऑडियंस को पसंद आएगी, लेकिन तुम एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हो ना। हाँ, तो बस साफ सुथरे वाले काम करो। हमारा अगला रीजन है कि इनकी वाइफ को डर लगता है इंडिया में। मतलब कुछ भी, तुम्हारे बाप दादा बरसों से रहते आ रहे हैं इंडिया में, उनको तो कभी डर नहीं लगा। मतलब 4 किताबें पढ़ने लगी, तुम्हारा घुटने वाला दिमाग चलने लगा। वाह दीदी वाह, तुम यहाँ का सेलिब्रिटी हो, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर तुम दूसरे कंट्री जाओगे ना तो लोग तुम्हारी कुत्ते इतना भी भाव नहीं देंगे। पता नहीं मुंह में कुछ भी आता है, बेंचुत बोल देते हैं। हमारा अगला रीजन है कि लाल सिंह चड्ढा फॉरेस्ट गम का रीमेक है और लोग बहुत सालों पहले फॉरेस्ट गम को देख चुके हैं। तो भाई साहब, वो तुम्हारी फिल्म क्यों देखे? वैसे भी बॉलीवुड से कुछ ज्यादा उम्मीद रहती नहीं है, इनका बस रीमेक का ही है। तो भैया, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तुमको लाल सिंह चड्ढा के बारे में क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोज के लिए। हो सके तो इसे शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।